बंधुओं, जिस प्रकार से सुशील कुमार शिंदे ने ये बयान दिया है, वास्तव में मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है ये। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मैं मनमोहन सिंह जी से कहना चाहूंगा कि वो सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त करें। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शिंदे को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पागलखाने में भर्ती करो, भर्ती करो। जयपुर की धरती और जयपुर के लाल इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और हमें चाहते हैं कि यहीं से बैठे बैठे साइड में मंत्री सुशील कुमार शिंदे की लाल परिणाम मिल जाए और उनको वापस पसंद भेज दिया जाए। अध्यक्ष जी, मोहन जी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन वैसे तो ये चिंता शिविर, चिंतन शिविर था, और इस चिंतन शिविर में हुआ क्या? पौधा पहाड़ और निकली चुहिया, चुहा निकल लो, चुही समझ लो, चुही निकली। अब निकलने के बाद उन्होंने एक एजेंडा सेट किया कि देश भर में इन्होंने सारा महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, आतंकवाद बढ़ा दिया, और चुनाव सामने आ रहे हैं तो क्या करें? तो चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए और देशद्रोही ताकतों का बचाव करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और राष्ट्रवादी ताकतों पर हमला करने का कुत्सित प्रयत्न किया। एक बार पहले भी चिदम्बरम ने किया था, भगवा आतंकवाद,